गगरी छलकत जाए और अधूरा ज्ञान मनुष्य के जीवन के ऊपर भी भारी पड़ जाता है। कहते ना, नीम हकीम खतरे जान। यद्यपि ये भी WHO वालों ने फैलाया था जिससे हमारा आयुर्वेद समाप्त हो जाए, वरना नीम जिसको पेटेंट कराने के लिए अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया सब मरे जा रहे, करा के बैठ गए। नीम हकीम खतरे जान, ये एडवर्टाइजमेंट का एक बहुत सूड तरीका है जो 5 से 10 सेकेंड में आपके दिमाग में ऐसी कोई चीज बैठ जाए कि आयुर्वेद और ये हकीम और ये वैद्य दो नंबर के हैं। सब जब काम बनेगा तो वहीं से बनेगा। कहां से? जहां माथे का दर्द होगा तो ऐसी दवाइयां खिलाई जाएंगी कि एक वर्ष के अंदर में किडनी फिर बाप बाप करेगा, फिर बात ट्रांसप्लांट तक पहुंच जाएगी। और इस अर्थ पर आज तक कोई ट्रांसप्लांट सफल नहीं हुई है, न होगी। तो 10-20 दिन जी लेना, 2-4 साल जी लेना रिस्ट्रिक्शन के साथ, उसको जिंदगी कहते हैं। और वो जिंदगी भी अगर आध्यात्म के लिए लगाई जाए, उस जिंदगी का भी अगर ये महत्व हो कि बचे हुए शरीर से वैचारिक रूप से इतनी बड़ी क्रांति उत्पन्न कर दी जाए इस पृथ्वी पर, जिससे वसुधैव कुटुंबकम का ये जो मंत्र है भारत का, सनातन संस्कृति का, वो प्रकाशित और विकसित हो जाए। भैया हम फिसल जाते हैं, हम क्या करें? तो हमारा मन होता है कि हम हनुमान जी की तरफ चलें, पर भीतर इतना ये है कि कब कहां किस रास्ते निकल जाते हैं, हमको पता ही नहीं। तो हमारे साथ भी एक चरवाहा चाहिए, पीछे लेके डंडा लेके। ये हनुमत चरित्र है। अच्छा अच्छा, मैं तो पता नहीं हनुमान चरित्र में हम कौन सा चरित्र ले जाएंगे कहां पर। देश काल पात्र टाइम प्लेस पर्सन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एज मॉडर्न पीपल। और बातें वही हो जिससे जीवन का मंगल हो, कल्याण हो। ये 2-2.5 घंटे भी व्यर्थ न चले जाएं हमारे, इसमें कम से कम कुछ मेहनत करते तो 2-4-500 रुपए कमा लेते। भारत के इतने लोगों का 3 घंटे बर्बाद करना बिठा के, बताओ इससे बड़ा भारत के प्रति अपराध और क्या हो सकता? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। ट्रकों के पीछे लिखा हुआ है कर्म ही पूजा है। यद्यपि सारी दुनिया कर्म कर रही है और विगत 40 से 50 सालों में संसार में जितनी अशांति, पागलपन, आत्महत्याएं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मानसिक रोग जितने विकसित हुए हैं, उतना कभी भारत और दुनिया में नहीं था। क्यों? कर्म ही पूजा है। अब रावण से बड़ा कर्मठ कौन था बताओ? कंस से बड़ा कर्मठ कौन था? श्री कृष्ण तो पालने में झूल रहे हैं, अब कंस रात भर मीटिंग ले रहा है कहां बच्चा पैदा हुआ है पता करो। गोकुल में एक बच्चा बचना नहीं चाहिए, ये कर्म नहीं है? व्हाट डू यू मीन बाय कर्म? कर्म तो वो भी कर रहा है। जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर जो बॉम्बार्डिंग की गई, कर्म तो वो भी था। कभी लाखों निर्दोष नागरिक मार दिए जाते हैं, कर्म तो वो भी है। छब्बीस ग्यारह हो या अमेरिका का वो टावर हो, कर्म तो वो भी है। उसमें कितने लोग लगे होंगे, कितने इंजीनियर्स, साइंटिस्ट,
कितना लंबा प्लान होगा। कर्म तो सभी हैं, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता जो 1,00,000 श्लोकों में से 700 श्लोकों को अलग निकाल करके भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध की भूमि पर अर्जुन को प्रदान किया, यद्यपि उस गीता का जब वाचन हो रहा था तो अर्जुन कितना सुने मुझे पता नहीं, पर अर्जुन के रथ के ऊपर में ध्वज के ऊपर बैठे कपित ध्वज हनुमान जी ने सब सुना अपने भगवान की बात, प्रत्येक बात सुनी। इसलिए हनुमान जी के विषय में कहा जाता, तीनों लोक हांकते कापे, चारों जुग परताप तुम्हारा। कभी विचार करते हैं कि तीनों लोक में कहां कहां है, चारों युग में, हम तो जानते त्रेता में आए हनुमान जी, और वो भी पूरा फिल्म चल गया राम जी का, तो बीच में एंट्री हुई है, शादी विवाह हो गया राम जी का, वनवास हो गया, तो बीच में आए सुग्रीव को लेके, छोटा रोल है लेकिन इतना सुपरहिट रोल है कि राम जी के मंदिर कम हो गए उन्हीं के बढ़ गए। कभी कभी होता है मेन हीरो और बीच में कोई 10 मिनट के लिए आता है, 15 मिनट के लिए, और ऐसा हिट होता है कि बेचारा हीरो पीछे रह जाता है। हमारे यहां तो अभी यही हाल है। कल मैंने आपको बताया था ना, जिसकी पत्नी खो गई थी और वो राम जी के पास लेके गया परात और 200 रुपए, और सामने हनुमान जी का मंदिर था, पुजारी ने कहा अपना तो खोज नहीं पाए इधर आ जाओ, और वो आदमी राम जी के सामने से लड्डू और पैसा उठा के चला आया। बोला बात सही कह रहा भाई, वो तो अपना ही नहीं खोज पाए, हमारा क्या खोजेंगे, तो हनुमान जी के मंदिर में चला गया। वो पुजारियों की लड़ाई थी किस पे ज्यादा चढ़ावा होता है।